नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आकृति गिनना। इस टॉपिक को ध्यान से देखें दोस्तों, आकृति गिनना टॉपिक डाल लीजिए। एक मिनट, आकृति गिनना, आकृति गिनना टॉपिक देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार से अपन आकृतियों की गणना करेंगे। एग्जाम में दोस्तों कोई सी भी अपन एग्जाम की बात करें तो आकृति गिनने में तीन तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तीन तरीके के प्रश्न कौन कौन से दोस्तों? पहली कंडीशन का प्रश्न होता है त्रिभुज से संबंधित, ट्राइंगल जिसको कहा जाता है। दूसरी कंडीशन होती है आयत से संबंधित, और तीसरी होती है दोस्तों वर्ग से संबंधित। तीन तरीके के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। त्रिभुज वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, वर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और आयतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, और त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है ध्यान से देखते हैं। पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन त्रिभुज से संबंधित। त्रिभुज से संबंधित, अब जैसे नाम से स्पष्ट है, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा। वह आकृति जिसकी कितनी भुजाएं होती है दोस्तों? तीन भुजाएं होती है, उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। अब दोस्तों त्रिभुज वाले प्रश्नों को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो नियमों के द्वारा आकृति को गिनना, ट्रिक के द्वारा आकृति को गिनना, और एक तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल। अब आप कहोगे सर कि अगर आपको ट्रिक पता है तो ट्रिक वाले तरीके बताइए, प्रैक्टिकल मत बताइए, प्रैक्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है, प्रैक्टिकल करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा दोस्तों। तो अगर हम फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो फैक्ट ये है दोस्तों कि आपको यदि आकृति गिनना आता है, अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो ट्रिक की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ट्रिक आती है और प्रैक्टिकली गिनना नहीं आता दोस्तों, तो हमारे चांस जो है वो वहां पर 50-50 चांस है, प्रश्न हल करने के चांस 50-50 है। अगर ट्रिक आती है लेकिन गिनना नहीं आता है, और गिनना आता है और ट्रिक नहीं आती है तो 100% चांस है। लेकिन अगर केवल ट्रिक आती है, गिनना नहीं आता है, तो 50-50 है। और 50-50 क्यों है? 50-50 इसलिए, मान लीजिए ट्रिक वाला प्रश्न नहीं आया, और मैं आपको बता देता हूं ट्रिक वाले प्रश्न तो 10% ही होते, बाकी के 90% प्रश्नों को तो दोस्तों प्रैक्टिकली ही गिनना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हम प्रैक्टिकली गिनना सीखेंगे, और प्रैक्टिकली किस प्रकार से गिनते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा साथ साथ। लेकिन दोस्तों ट्रिक भले ही से आपको आए या ना आए, लेकिन प्रैक्टिकली गिनना जरूर आना चाहिए। तो प्रैक्टिकली पर ही तो विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रिक वाले प्रश्न जो है 10% प्रश्न होते हैं, कुछ ही प्रश्नों में ट्रिक लगती है, सभी प्रश्नों में ट्रिक नहीं लगती है। प्रैक्टिकली में हमको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तर देखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से, अपन देखते हैं पहले प्रकार की आकृति देखते हैं। मान लीजिए ये एक प्रश्न आ गया त्रिभुज का, और इसके अंदर मैंने एक लाइन खींच दी इस प्रकार से, इसी टाइप का इससे थोड़ा सा और बड़ा प्रश्न बना दिया मैंने, और यहां पर अब मैंने एक की जगह पर दो लाइन खींच दी दोस्तों, इसी प्रकार से इस प्रश्न को मैं बढ़ा देता हूं, यहां पर मैंने एक लाइन और बढ़ा दी दोस्तों, यहां पर एक लाइन थी, यहां दो लाइन थी, यहां तीन लाइन थी, एक और प्रश्न यदि हम बढ़ा देते हैं इसमें, तो यहां पर देख लीजिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और ये चार लाइन। दोस्तों चार प्रश्न मैंने आपको यहां पर दिए, और आपको चारों प्रश्न एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, केवल इनमें आकृतियों का अंतर है, मतलब इसमें आकृति कम है, इसमें इससे ज्यादा है, इसमें इससे ज्यादा है, इससे इसमें ज्यादा है, लेकिन चारों की जो कंडीशन है वो एक जैसी कंडीशन है दोस्तों। कैसी कंडीशन है? एक त्रिभुज दिया हुआ है और एक बिंदु ऊपर वाले बिंदु से नीचे की तरफ लाइनें खींची गई है दोस्तों। तो लेकिन मैंने आपसे कहा था सबसे पहली कंडीशन है प्रैक्टिकली समझना, तो दोस्तों सबसे पहले प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस प्रकार से त्रिभुज गिनते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, चाहे त्रिभुज वाली आकृति हो, चाहे वर्ग वाली आकृति हो, चाहे आयत वाली आकृति हो, प्रैक्टिकली किस प्रकार से गिनते हैं। तो पहली स्थिति आपको याद रखना है कि देखो कोई भी प्रश्न है उसमें दो प्रकार की आकृति होती है, एक प्रत्यक्ष होती है और एक अप्रत्यक्ष होती है दोस्तों।
दो प्रकार की आकृतियां होती है कोई भी प्रश्न में, एक प्रत्यक्ष होती है एक अप्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष का मतलब जो सबको दिखाई देती है, अप्रत्यक्ष का मतलब जो देखनी पड़ती है। प्रत्यक्ष आकृतियों से ही अप्रत्यक्ष आकृतियां बनाई जाती है दोस्तों। तो याद रखें, सबसे पहले प्रत्यक्ष आकृति देखो जो सबको दिखाई दे रही है, और फिर जो सबको दिखाई नहीं देती है, जिसको अपन को देखना पड़ता है, मिला मिला करके स्थिति को प्रकट करना पड़ता है, वो अप्रत्यक्ष आकृति है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है अप्रत्यक्ष वाली आकृति। प्रत्यक्ष वाली आकृति ज्यादातर को दिखाई देती है। दूसरी बात, दूसरा तरीका क्या है गिनने का? दूसरा तरीका है कि क्रम पूर्वक गिनेंगे दोस्तों, क्रम पूर्वक। क्रम पूर्वक कैसे? कि सबसे पहले सिंगल सिंगल आकृति को गिनेंगे, एक एक आकृति, फिर दो दो को मिलाकर गिनेंगे, फिर तीन तीन को मिलाकर गिनेंगे, फिर चार चार को मिलाकर गिनेंगे, क्रम पूर्वक गिनेंगे दोस्तों। और तीसरी कंडीशन दोस्तों, नामांकित जरूर करें, नामांकित करके गिने, जिससे आप कोई भी आकृति को भूलो नहीं कि इसमें कितनी आकृति है। कई बार एक आकृति को अपन डबल बार गिन लेते हैं तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगी। किसके द्वारा? नामांकित करने से। कैसे? जैसे ये पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, नियम में बाद में बताऊंगा, पहले मेरा लक्ष्य है कि आपको प्रैक्टिकली त्रिभुज गिनना सिखाया जाए। अगर प्रैक्टिकली त्रिभुज गिनना नहीं सीखोगे तो आकृति आप कितना भी रट लीजिए, मैं आपको एक सवाल दे दूंगा, आप कहोगे नहीं सर नहीं हो रहा हमसे, क्योंकि आप केवल ट्रिक जानते हो, और ट्रिक वाला सवाल अगर नहीं आया तो निश्चित रूप से प्रश्न को छोड़कर आना पड़ेगा। इसलिए ट्रिक बाद में है, पहले है प्रैक्टिकली। जैसे ये सवाल है दोस्तों, अब हम क्या करें, किस प्रकार से उत्तर दें? तो सबसे पहली बात, मैंने आपसे कहा प्रत्यक्ष जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप नामांकित कर दीजिए दोस्तों। तो मेरे को लग रहा है कि आपको दो त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज तो आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। जिस पर मैंने एक और दो लिखा है, ये पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको? निश्चित रूप से पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कहां से कहां तक है दोस्तों, देख लीजिए, इस जगह से लेकर के और ये स्थिति है और यहां तक, ये पहला त्रिभुज सबको दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब ये पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मैंने एक लिख दिया दोस्तों। यहां पर अपन को ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ए बी सी नाम का एक त्रिभुज है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना है। हम जानते हैं ये एक त्रिभुज है, हमने एक लिख दिया। चलो दोस्तों दूसरे त्रिभुज को देखते हैं, तो दूसरा त्रिभुज ये रहा, ये दूसरा त्रिभुज है दोस्तों यहां तक। यानी कि एक त्रिभुज के यहां पर दो टुकड़े कर सकते हैं अलग अलग। तो दो त्रिभुज तो दोस्तों प्रत्यक्ष है जो सबको दिखाई दे रहे हैं यहां पर। अब अप्रत्यक्ष जो त्रिभुज है, अप्रत्यक्ष त्रिभुज जो है वो किस प्रकार से अपन देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पर बात करें अप्रत्यक्ष त्रिभुजों की, तो अगर मैं दोनों त्रिभुजों को मिला देता हूं तो क्या तीसरा त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा दोस्तों, बिल्कुल बनेगा। अगर हम दोनों को मिला देते हैं, एक नंबर और दो नंबर दोनों को मिला देते हैं, तो तीसरा त्रिभुज मिलेगा। यानी कि एक नंबर दो नंबर को मतलब 12 नंबर, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई दोस्तों इसमें तीन। तीन त्रिभुज है दोस्तों इसमें, कितने हैं? तीन। तो दो तो हो गए सिंगल सिंगल, जिसको अपन कहेंगे प्रत्यक्ष त्रिभुज, और एक पूरा, जिसको अपन कहेंगे पूरा। पूरा कौन सा त्रिभुज है? 12 नंबर का त्रिभुज है, जिसको हमने पूरा कहा दोस्तों। तो पहले प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या है तीन दोस्तों, उतारिए इसको फटाफट। फिर दूसरे प्रश्न, तीसरे और चौथे को आप हल करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जल्दी हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ को आपने हल करने का प्रयास किया होगा, देखते हैं। मैंने कहा पहले प्रैक्टिकल दोस्तों, प्रैक्टिकल में आपको अच्छी प्रकार समझाऊंगा, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको समझ में आ जाए उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, कि ट्रिक के द्वारा 5 सेकंड के अंदर किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर मान लीजिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, सबसे पहला काम, प्रत्यक्ष त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो सबको तीन त्रिभुज सबको नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल गिनना सिखा रहा हूं दोस्तों मैं आपको, तीन त्रिभुज सबको नजर आ रहे हैं। अब अपन डबल डबल कर देखें तो बताओ 12 नंबर का क्या त्रिभुज बनेगा क्या? आप सोचिए, अगर 12 नंबर ये यहां से लेके यहां तक त्रिभुज आप काट दीजिए कैंची से, तो क्या ये त्रिभुज बनेगा? क्या त्रिभुज की शेप बनेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल बनेगी सर, तो इसका मतलब 12 नंबर का त्रिभुज बन गया। नेक्स्ट अगले त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या 23 नंबर का बनेगा क्या दोस्तों? क्रम बाई चलना है दोस्तों, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, कैसे 12 नंबर बन गया, पूरा बन गया, पूरे को तो सबसे लास्ट में लेना है। पूरा जो त्रिभुज है उसको अपन को दोस्तों तब लेना है जब लगभग हमने सारे त्रिभुज गिन लिए हैं दोस्तों। तो 12 नंबर का त्रिभुज बन गया, फिर हमने एक को तो छोड़ दिया, फिर दो तीन को पकड़ लिया, तो 23 नंबर का बन गया। अब दो दो के कंप्लीट हो गए, एक एक का कंप्लीट हो गया, फिर दो दो के हो गए। अब तीन तीन की बात करें, अगर तीनों को मिला देते हैं तो क्या ये तीनों को मिलाकर ये कंप्लीट वाला जो त्रिभुज है क्या त्रिभुज नहीं है क्या?
जिसको अपन कहेंगे पूरा त्रिभुज कंप्लीट, जिसको कहा 1, 2, 3 123 नंबर का। तो तीन सिंगल वाले हैं, दो डबल वाले हैं और एक तीन को मिलाने पर प्राप्त हुआ दोस्तों, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई यहां पर 6। कितने त्रिभुज है दोस्तों? 6। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपने, इसको देखते हैं। पहला त्रिभुज नजर आ रहा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चार त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए पांचवा त्रिभुज कौन सा है? पांचवा कौन सा है? 12 नंबर है, बिल्कुल। छठा नंबर बताइए, 23 है और फिर 34 है। डबल डबल गिन रहे हैं, 12 नंबर हो गया, 23 नंबर हो गया, 34 नंबर हो गया। फिर इसके बाद में तीन को मिला दो दोस्तों, 123 नंबर का बनेगा, 234 का बनेगा और एक पूरा, 1, 2, 3, 4 पूरा कंप्लीट। अब दोस्तों देख लेते हैं, चार सिंगल है ये, 4 और 3, 7 और 2, 9 और 1, 10। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई दोस्तों 10। इधर देख लेते हैं, अब इसको अपन नियम लगा देंगे डायरेक्ट। इसमें मैंने आपको तीन सवाल बताए गिनके, तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा। यहां पर पहले मैं नियम लगा के बता देता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा दोस्तों। अब सुनिए नियम। लेकिन दोस्तों नियम कोई भी लगता है तो नियम लगाने से पहले अपन को कुछ चीजें आनी चाहिए। कुछ चीजों का मतलब, अब मैं जो आपको नियम बताने जा रहा हूं वो प्रश्न की फिक्स कंडीशन है कि इस फिक्स कंडीशन होगी तो ही नियम लगेगा दोस्तों। कैसे? मैंने कहा एक त्रिभुज होना चाहिए, जैसे ये त्रिभुज है, और फिर इस बिंदु से लेकर सीधी लाइन हो, कितनी भी हो, चाहे सीधी लाइन हो चाहे कितनी भी लाइन हो, तो ही नियम लगेगा। अगर मान लीजिए यहां पर, अगर मान लो मैं इधर इस प्रकार से चेंज कर देता हूं तो नियम चेंज हो जाएगा दोस्तों, फिर ये नियम नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखें, एक त्रिभुज के अंदर सीधी लाइन हो कितनी भी, याद रखें आप। तो इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आए, इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आए, चाहे कितना भी बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर मैंने चार लाइन खींची है, चाहे इसके अंदर 10 ही लाइन हो, अनलिमिटेड लाइन हो, और अगर त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछिए दोस्तों, तो 5 सेकंड के अंदर किसी भी प्रश्न का उत्तर अपन देंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, हमने यहां पर यह त्रिभुज देखा, इसके अंदर गिनती लिखी 1 और 2। आपको क्या करना है? अंदर गिनती लिखनी है 1 और 2, और जोड़ जोड़ दीजिए आप दोनों को। 1 और 2 को जोड़ेंगे, 3 आ गया दोस्तों। देख लीजिए कितनी जल्दी उत्तर आया, 1 और 2 जोड़ा है मात्र, 3 आ गया। इधर देख लीजिए, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6 आंसर आ गया दोस्तों, 6। इधर देख लीजिए इसको, 1, 2, 3, 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 इज ए राइट आंसर दोस्तों, 10 आंसर सही है। प्रैक्टिकल गिन के बता दिया मैंने आपको, अब आपको यहां पर नियम लगा देता हूं, फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ दू, 1, 2, 3, 4, 5 और जोड़ देते हैं 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15। टोटल त्रिभुजों की संख्या दोस्तों 15, 15 इज ए राइट आंसर। अगर आपको 15 लग नहीं रहा कि 15 नहीं है इसमें, तो मैं देखो मैं आपको गिन के बता रहा हूं। तो दोस्तों 5 तो आपको सबको पता है, 1, 2, 3, 4, 5 त्रिभुज आप सबको पता है। अब बताओ नेक्स्ट अगला त्रिभुज 12 नंबर का होगा, 23 का होगा, 34 का होगा, 45 का होगा, 2-2 के बन गए। अब हम 3-3 की बात करते हैं दोस्तों, 123, 234 और 345, 3-3 का। जैसे ही 5 आया वैसे 3-3 का पूरा हो गया दोस्तों। फिर 4-4 की बात करें, 1, 2, 3, 4 और 2, 3, 4, 5 दोस्तों, 2, 3, 4, 5 का हो गया और 1, 2, 3, 4, 4 का हो गया। और दोस्तों 5, 5 मतलब पूरा, जिसको अपन कहते हैं पूरा कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5 का। अब दोस्तों गिन लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो दोस्तों यहां पर त्रिभुजों की संख्या है 15। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा, फर्स्ट टाइप, पहली टाइप मैंने आपको बताई है यहां पर, पहले टाइप। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो दोस्तों करना क्या है, अंदर जो गिनती लिखी है उन गिनतियों को जोड़ना है। अगर हमारे पास में ट्रिक वाला प्रश्न आता है तो, और अगर ट्रिक वाला प्रश्न नहीं आता है, इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है दोस्तों, तो साथ साथ मैंने आपको गिनना बताया है। इसलिए मैंने कहा अगर प्रैक्टिकल आता है तो 100% चांस होते हैं सही करने के, और केवल ट्रिक आती है और प्रैक्टिकल नहीं आता दोस्तों तो 50-50% चांस होते हैं। ये पहले तरीके का सवाल था त्रिभुज वाला, जो मैंने नियम से भी बताया, प्रैक्टिकल भी बताया। अब मैं आपको दो सवाल दे रहा हूं, अब दो सवाल दे रहा हूं, चाहे आप उसको ट्रिक से करो चाहे आप प्रैक्टिकल करो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपको ट्रिक आती है नहीं आती, दो सवाल दे रहा हूं दोस्तों। जल्दी से दोनों सवालों को उतार करके और जल्दी से जल्दी उत्तर देना दोस्तों। दो सवाल मैं यहां पर लिख रहा हूं, त्रिभुज वाले ही लिखूंगा, त्रिभुज ही बताने हैं, ये त्रिभुज है और ये मैंने लाइन खींची है दोस्तों, ये सीधी लाइन खींच दिया है, पर ये खींच दिया। एक और लिख देता हूं, मैंने कहा आपसे कि दो त्रिभुज दूंगा इसलिए दो ही दे रहा हूं। अब मैंने त्रिभुज को इस प्रकार से रख दिया दोस्तों, आकृति है, चेंज कर सकता हूं दोस्तों मैं,
ये लो जी, ये दो सवाल मैंने दिए दोस्तों, दोनों में त्रिभुजों की संख्या हमको बतानी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जल्दी जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए और उतार करके सोचिए दोस्तों कि इसका उत्तर क्या आएगा। सोच लिया, हो गया होगा। अब दोस्तों पहले प्रश्न का आंसर 21 वाले कौन कौन है दोस्तों, जिन्होंने 21 उत्तर दिया है, हाथ खड़े करें। 21, 21 जिनका भी आंसर है, जो भी ये सोच रहे हैं कि 21 हमारा आंसर है पहले प्रश्न का दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं 21 आंसर बिल्कुल गलत आंसर है, 21 आंसर बिल्कुल गलत है। चलो जो सोच रहे हैं कि यहां पर दो त्रिभुज है, दो वाले त्रिभुज, तो जो भी सोच रहे हैं कि इस प्रश्न में दो त्रिभुज है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं दो आंसर बिल्कुल गलत है, दो आंसर भी नहीं है दोस्तों इसका। अगर मान लो कोई सोच रहा है दोस्तों इसमें कि एक ही त्रिभुज है, त्रिभुज एक ही है दोस्तों, तो आंसर बिल्कुल गलत है, एक त्रिभुज भी गलत है दोस्तों। और आप में से कौन कौन सोच रहे हैं इस प्रश्न का आंसर, सात, सात कौन कौन सोच रहे हैं, और जो ये सोच रहे हैं सात दोस्तों कि सात आंसर है हमारा, तो मैं आपको बता देता हूं, बड़े विनम्रता से बताता हूं कि सात आंसर आपका बिल्कुल 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 100% गलत है, यहां पर सात आंसर भी गलत है दोस्तों। सही क्या है दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि 21 भी गलत हो गया, एक भी गलत हो गया, दो भी गलत हो गया, सात भी गलत हो गया। दोस्तों सबसे पहले 21 जिन्होंने उत्तर दिया उनको मैं बताने देना चाहूंगा, 21 वालों ने क्या किया, कितने आलसी लोग हैं 21 वाले, कि गिनती लिखी यहां पर 1 2 3 4 5 6 और जोड़ दिया 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, कितने आलसी थे, ट्रिक लगा दी, उत्तर आ गया। दोस्तों जरा आप सोचिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ट्रिक कब लगती है, ट्रिक तब लगती है जब एक निश्चित कंडीशन होती है। मैंने आपको जो ट्रिक लगाई थी वो ट्रिक किन प्रश्नों पे लगी थी, वो ट्रिक उन प्रश्नों पे लगी थी जिसमें त्रिभुज तो था लेकिन लाइन कैसी थी, इस बिंदु से सीधी लाइन थी, सीधी लाइन थी तो ट्रिक लगी थी। यहां पर क्या सीधी लाइन है क्या, आपको सर नहीं है, नहीं है तो ट्रिक कैसे लगा दी दोस्तों, ट्रिक आपकी नहीं लगेगी। और यहां पर अपन समझते हैं कि किस प्रकार से त्रिभुज, पहले प्रैक्टिकल बता रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिकल सुन लीजिए फिर मैं नियम बताऊंगा। प्रैक्टिकल, पहला त्रिभुज कहां पर है दोस्तों, देख लीजिए पहला त्रिभुज आपके सामने है, ये रहा पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और दूसरा त्रिभुज दोस्तों, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तीसरा ये रहा, देखो दोस्तों चौथा है, और पांचवा दोस्तों देख लीजिए पांचवा, और ये छठा त्रिभुज है दोस्तों। और फिर हम कहेंगे कि एक पूरा है दोस्तों, तो याद रखे पूरा कहने से पहले देखो कि आपने छठा कौन सा गिना था। आप दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, छठा त्रिभुज यही तो था भाई, छठा कौन सा था, यही तो छठा था, और छठा जब अपने ये पूरा ही छठा गिना है तो पूरा एक्स्ट्रा कहां से आ गया दोस्तों। तो केवल एक आदत मत बनाए कि साहब एक लास्ट में पूरा तो होगा ही, अगर पूरा है बिल्कुल, लेकिन हमने देखा ये छठा जो हमने बनाया ये पूरा ही था दोस्तों, इसको डबल बार गिनने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले प्रश्न का आंसर 6 है, और ट्रिक भी बन गई दोस्तों, यहां पर ध्यान रखे यहां पर ट्रिक बन चुकी है। ट्रिक क्या है दोस्तों सुनिए, अगर कोई त्रिभुज के अंदर लाइन आड़ी हो, अभी तक हमने जो आपको ट्रिक बताई दोस्तों उनमें लाइन कैसी थी, सीधी लाइन थी, सीधी लाइन थी, अब लाइन कैसी है दोस्तों, आड़ी लाइन है। और अगर किसी प्रश्न में एक त्रिभुज हो और उसके अंदर आड़ी लाइन हो दोस्तों, तो फिर त्रिभुज गिनने का सबसे सरल तरीका है गिनती लिख दीजिए उसके अंदर, और अंतिम संख्या ही हमारा आंसर होगा दोस्तों, अंतिम संख्या ही हमारा आंसर है। तो दूसरा प्रश्न है इसका, इसमें नियम लगेगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल लगेगा सर, एक सीधा त्रिभुज है और लाइन भी आड़ी है तो नियम लगा सकते हैं दोस्तों। क्या करना है, गिनती लिखिए फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, 9 है, इसलिए आंसर भी क्या है, 9 है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और प्रैक्टिकली गिनना है तो प्रैक्टिकली गिन लीजिए, पहला त्रिभुज ये रहा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये पूरा नवा त्रिभुज। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है दोस्तों 9 त्रिभुज हमारा आंसर है। अब दोस्तों बताइए कि आपको त्रिभुज गिनना आया, निश्चित रूप से आया होगा। दो तरीके के प्रश्न हमने इस सेशन में पढ़े दोस्तों, दो तरीके कौन कौन से थे, पहला तरीका एक त्रिभुज था जिसके अंदर लाइन कैसी थी दोस्तों, सीधी लाइन थी, एक त्रिभुज था उसके अंदर लाइन सीधी थी। और दूसरा तरीका कौन सा पढ़ा, एक त्रिभुज था लेकिन लाइन कैसी थी दोस्तों, आड़ी लाइन थी। तो यहां पर हमने पढ़ा था एक त्रिभुज के अंदर सीधी लाइनें हो तो कौन से ट्रिक लगाते हैं, अगर सीधी लाइनें हो तो गिनती लिखेंगे आकृति के अंदर, उन सभी गिनतियों को जोड़ देंगे दोस्तों, और अगर मान लीजिए लाइन आड़ी है तो फिर गिनती लिखेंगे दोस्तों, और अंतिम संख्या ही हमारा आंसर होगा।
क्या होगा, अंतिम संख्या ही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो आज हमने दो तरीके की आकृति सीखी है, एक सीधी लाइन वाली आकृति और एक आड़ी लाइन वाली आकृति। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड प्रश्नों को अपन को हल करना है और निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में हम दो तरीके की स्थिति सीखेंगे। नेक्स्ट, अगली स्थिति मैंने आपको सीधी लाइन बताई, आड़ी लाइन बताई, अगर मैं एक ही प्रश्न में सीधी लाइन भी रख देता हूं और आड़ी लाइन भी रख देता हूं तो प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा वो हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।